डियर स्टूडेंट्स, कोरोना के इस दौर में ऐसा लगता है कि हम सभी एक प्रकार के धूप छांव का खेल खेल रहे हैं। कभी कभी पूरा वातावरण निराशा से गिर जाता है। ऐसा लगता है कि आने वाला समय बड़ी चुनौतियां पेश करने वाला है। आने वाले मंथ्स महीनों में हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पता नहीं वैकेंसीज आएंगी या नहीं, हम पढ़ें तो कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, किस उम्मीद से पढ़ें, पता नहीं आने वाला समय कैसा होगा। लेकिन अगले ही पल उम्मीद की एक छोटी सी किरण पूरे परिदृश्य को, पूरे वातावरण को बदल कर रख देती है, हमें ऊर्जास्वित कर देती है, फिर से उसी ऊर्जा से भर देती है कि यस, पूरे विश्व को अब हम जीत लेंगे। ऐसी ही उम्मीद की एक छोटी सी किरण आज देखने को मिली जब गृह मंत्रालय की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ, एक आदेश आया, सर्कुलर आया उच्च शिक्षा सचिव के नाम, जिसमें यह कहा गया कि कुछ सर्टेन मानक स्टैंडर्ड को मानते हुए आप चाहें तो परीक्षाएं करा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जब इस तरह का वातावरण बनने लगा है कि हम परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं, UGC के अधीन जो बहुत सारे पेंडिंग एग्जाम्स हैं वो अब आयोजित होंगे इस सर्कुलर के आने के बाद। इस छोटी सी किरण ने हमें भी बड़ी सारी उम्मीदें दे दी है। उम्मीदें ये है कि जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएँ पेंडिंग हैं, शायद उनके लिए भी वातावरण धीरे धीरे बनने लगेगा। चूँकि हम सभी लगातार परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत का जब तक फल मिलने की उम्मीद ना हो, मेहनत करने में वो मन नहीं लगता, वो डेडिकेशन नहीं आता, तो हमें लगे रहना है। चूँकि इस छोटी सी उम्मीद ने एक बड़ी संभावनाएं हमारे सामने भी पेश कर दी। चलिए, हम लोग जो बहुत सारे टॉपिक्स कर रहे हैं, जो एक नए पैटर्न पे, ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं ये डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आपको क्वेश्चंस के रूप में आते ही हैं, दिखते ही हैं। तो ऐसे 200-300 टॉपिक्स अगर आप कर लेंगे तो आप भी ये समझ रहे होंगे कि ये बहुत बड़ा काम होगा। तो चलिए, आज जो हम लोग कुछ टॉपिक्स उठा रहे हैं उसमें 12 टॉपिक्स ले रहे हैं, और फिर SPD का GK GS और साइंस भी करेंगे, और साथ ही दूसरे पक्ष को भी हम लोग धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा टॉपिक्स हो जा रहा है, हम लोग इसे नहीं कर पा रहे हैं, तो मैनेज कीजिए, इसलिए कि एग्ज़ाम बड़ा है और हमें बहुत सारा कुछ पढ़ना भी है, तो ये धीरे धीरे समाप्त हो, कवर हो, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, आज जो 12 टॉपिक्स हम लोग ले रहे हैं इसमें पेज नंबर भी हम मेंशन कर रहे हैं, लेकिन ओरली हम मुझसे ये सारे पेज नंबर आपको बोल देंगे, आप इसे नोट डाउन कर लें और अपने बुक में सर्च कर लें। न्यू लूसेंट में नहीं, ओल्ड लूसेंट के पेजेस हम दे रहे हैं, जिसमें आप न्यू में भी 2-4 पेजेस के आगे इन पेज नंबर को आप देख सकते हैं। देखिए, आज जो हम लोग पहला टॉपिक ले रहे हैं उसमें आज जो पहला टॉपिक है वो हिस्ट्री का टॉपिक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक है कांग्रेस के अधिवेशनों का। जो कांग्रेस के अभी तक जितने भी अधिवेशन हुए, इनके सेशन जो ईयरली सेशन होते थे 1885 ऑनवर्ड्स, उनके अध्यक्षता किसने की और ये कहाँ हुआ और क्या रेजोल्यूशन पास हुआ, ये समझना है। ये एग्जाम्स में आता है कि कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब हुआ, कांग्रेस के 1931 के अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण था, मूल अधिकारों से संबंधित कुछ आर्थिक प्रस्ताव पारित हुए, तो ये सब डिटेल्स 1929 आप सभी जानते हैं कितना महत्वपूर्ण था, लाहौर का अधिवेशन। तो कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशनों को करना है और उनकी अध्यक्षता किसने की, साथ ही कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ और ये कहाँ आयोजित हुआ। अब सूरत का अधिवेशन स्प्लिट हुआ कांग्रेस में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये सब समझना है। तो ये करेंगे कांग्रेस का अधिवेशन। इसमें आप लूसेंट में जाएंगे तो लूसेंट में पेज नंबर 55-56 है, 2018 के एडिशन से, 2 साल पुराने वाले लूसेंट में 55-56 पेज नंबर पे ये मिल जाएगा। जबकि क्राउन में आप जाएंगे तो 98-99, 55-56 लूसेंट में, जबकि क्राउन में ये 98-99 नंबर पेज पे मिल जाएगा। दूसरा टॉपिक हम लोग कर रहे हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व के महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये तो जानना ही चाहिए, बराबर आता है। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, ये आप जाएंगे पेज नंबर लूसेंट में तो पेज नंबर 283 और 285 आप पेज नंबर पे जाएंगे, जबकि क्राउन में ये 521 पेज नंबर पे क्राउन में ये दिख जाएगा। तीसरा टॉपिक है राज्यसभा यानी अपर हाउस। अब राज्यसभा के टॉपिक्स पॉलिटिकल साइंस में आप जाएंगे, राजनीति शास्त्र में, तो यहाँ पर राज्यसभा संसद के टॉपिक में लोकसभा और राज्यसभा है, राज्यसभा करना है, इसका गठन कैसे हुआ, कौन इसका चेयरमैनशिप करते हैं, उनका टेन्योर क्या होता है, उन्हें हटाया कैसे जाता है, किससे शपथ लेते हैं, साथ ही किसे त्यागपत्र देते हैं, और इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, ये सब डिटेल्स लेना है। आइए पेज नंबर देख लेते हैं, लूसेंट में आप जाएंगे संसद वाले टॉपिक में आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में, क्राउन में 258 और 259 पेज नंबर पे ये मिल जाएगा। तीसरा टॉपिक देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह विटामिन,
विटामिन से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो डिफरेंट विटामिन ए से लेकर विटामिन ई तक, के तक, सारी डिटेल्स करना है, इनके बायोकेमिकल नेम्स के साथ इनकी डिफिशियंसी से होने वाले रोग, तो ये सारा आपको करना है विटामिन में। जहाँ तक पेज नंबर का बात है, लूसेंट में 260 है, 260, जबकि क्रॉन में 474, 474 नंबर पेज है। उसके बाद नेक्स्ट पांचवा नंबर टॉपिक हम लोग इकोनॉमी का कर रहे हैं, प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना। ये प्लानिंग का कंसेप्ट कहाँ से आया, किसने सबसे पहले प्लानिंग का कंसेप्ट दिया, कैसे ये विकसित हुआ ये कंसेप्ट, उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएँ किस प्रकार लागू हुई, इनके वर्ष हमें याद रखना है, और आरंभिक कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल, हेरोड डोमर, गार्डगिल, महानोबिस, ये सब योजनाएं किस प्रकार की योजनाएं थी। पहले छह पंचवर्षीय योजनाओं को करना है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 थी, उसके पीछे के पांच पंचवर्षीय योजनाओं को भी करना है, टोटल छह पंचवर्षीय योजनाएं करना है, सारे छोड़ दीजिए। इसमें विकास दर का, ग्रोथ रेट का लक्ष्य क्या निर्धारित था, ये भी आप नोट डाउन कर लें, इसे कॉपी में संभव हो तो नोट डाउन कर लें। पेज नंबर की जहां तक बात है, लूसेंट में ये पेज नंबर 127-28 पे, 127-28 पे दिखाई देगा, जबकि क्रॉन में ये 296-296 नंबर पेज पे दिखाई देगा। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं दर्रा यानी पासेस। पूरे भारत में जहां जहां पर ऊंची पहाड़ियां हैं वहां पर दर्रे पासेस मिलते हैं, पहाड़ों में क्रैक, दर्रे, पतले रास्ते, उन्हें हम दर्रे या पासेस कहते हैं। ये हिमालयी रीजन में और दक्कन रीजन में, दक्षिणी भारत में आपको अलग अलग ऐसे दर्रे दिखाई देंगे, थालघाट, पालघाट, बोरघाट, अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन बनाया था, दक्षिण भारत में इस प्रकार के दर्रे दिखते हैं, जबकि उत्तरी भारत में कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इनमें बहुत सारे दर्रे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे दर्रे हैं, एग्जाम्स में आते हैं, तो ये पासेज आपको करना है। अगर पेज नंबर की बात करें तो लूसेंट में ये 97-97 नंबर पेज पे, जबकि क्रॉन में 179-182 नंबर पेज पे ये दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी से, राजनीति शास्त्र से, केंद्र राज संबंध। इसमें सातवीं अनुसूची, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची, जिसमें शक्तियों का विभाजन है, मूल रूप से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हम लोग कर रहे हैं। इसमें आपको कम से कम 8-8, 10-10 ऐसे सब्जेक्ट्स कॉपी में नोट कर लेने हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप जानते हैं कि मूल रूप से 97 सब्जेक्ट्स थे संघ सूची में, राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट्स थे, जबकि समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट्स थे, हालांकि अब इसमें परिवर्तन हो गया, तो ये आप कर लेंगे लिस्ट, आप कॉपी में ऐसे लिस्ट बनाएं, जैसे विवाह और तलाक, या समाचार पत्र, या ट्रेड यूनियन, या फिर परमाणु ऊर्जा, या फिर योजना, ये सब किन के लिस्ट हैं, विषय हैं, तो ये आप कर लेंगे। केंद्र संबंध में शक्तियों का विभाजन सातवीं अनुसूची लिस्ट्स करना है। लूसेंट में ये पेज नंबर 177-177 और क्रॉन में 277-277 पेज नंबर पे दिख जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री में अम्ल, भस्म और क्षार, लेकिन ये पूरा टॉपिक हम लोग नहीं कर रहे हैं, पीएच वैल्यू केवल करना है, पीएच मान, इसमें 0 से लेकर 14 के बीच कैसे पीएच मान बदलता है अम्ल और क्षारों के बीच, और अलग अलग एसिड्स के नाम किसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे दूध में लैक्टिक एसिड है, या सिरका में एसिटिक एसिड है, उसके कोल्ड ड्रिंक्स में किस प्रकार का एसिड होता है, इस प्रकार का इमली है, सेब है, ये सारे एसिड्स के नाम आपको करना है। लूसेंट में ये 221-222 के बीच, साथ में क्रॉन में आप जाएंगे तो 403 पेज नंबर पे ये दिखाई देगा। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स से, और ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, और ये टॉपिक है ऊर्जा का रूपांतरण, किस प्रकार माइक में, मोटर में, डायनमो में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, इसे ही करना है, छोटा सा टॉपिक है, पेज नंबर हम आपको दे रहे हैं। लूसेंट में ये 193-193 नंबर पेज पे, जबकि क्रॉन में ये 347-347 नंबर पेज पे दिखाई देगा। नेक्स्ट मॉडर्न इंडिया में हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यह है प्लासी और बक्सर का युद्ध, ओनली प्लासी और बक्सर का युद्ध करेंगे, ये युद्ध कहाँ लड़ा गया, किसके नेतृत्व में लड़ा गया, कौन पराजित शक्ति थी, साथ ही किस नदी के किनारे लड़ा गया, कौन कौन सी संधियाँ हुई प्लासी और बक्सर के बीच, पेज नंबर हम आपको दे रहे हैं। अगर आप लूसेंट में जाएंगे तो ये पेज नंबर 37 नंबर पेज पे, जबकि क्रॉन में जाएंगे तो 91-92 नंबर पेज पे दिखाई देगा। अब आइए बात करते हैं उस 211 नंबर और 12 नंबर टॉपिक की जो हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, बहुत प्रोडक्टिव, और ये है डेज दिवस का। हम लोग मार्च मंथ करेंगे आज के टॉपिक में, मार्च मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको करने हैं। पेज नंबर आपको हम बता रहे हैं लूसेंट में ये पेज नंबर 286-286, जबकि क्रॉन में ये 560 यानी 560 पेज नंबर पे दिखाई देगा।
एक राज्य हम लोग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के हम लोग स्टेट्स कर रहे हैं, आज हम लोग मेघालय करेंगे। हम लोगों ने असम और अरुणाचल प्रदेश इससे पहले किया। अब इसके सारे डिटेल्स लेना है, कौन सी नदी बहती है, बॉर्डर्स किस किसके बीच है, क्या माइनिंग यहाँ पे होता है, इसका राजकीय भाषा क्या है, लोक नृत्य क्या है, कोई शास्त्रीय नृत्य तो नहीं है, इसके सारे डिटेल्स आपको लेना है मेघालय राज्य। तो ये तो हो गए 12 टॉपिक्स जो हम लोग लेते हैं पेज नंबर के साथ, आज हम आपको दे रहे हैं 24 घंटे के अंदर इन्हें कंप्लीट करना है। अब दो टॉपिक्स आपको SPD के GK GS और साइंस से, बहुत प्रोडक्टिव सेशन यहाँ से भी हो रहा है। अगर ये सारा आप कर रहे हैं तो ये बहुत प्रोडक्टिव है। GK GS के आज हम लोग पेज नंबर 2 को ले रहे हैं, कल हम लोगों ने पेज नंबर 1 में रेलवे के सारे डिटेल्स किए थे, आज हम लोग पेज नंबर 2 पे जा रहे हैं। इसमें भारत का परिचय है, तो भारत की बाउंड्री, भारत की भाषा, भारत का पूरा लेंथ, ये सारे डिटेल्स आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट में 2011 की जनगणना है इसी पेज पर, और तीसरे में है सौर मंडल, सोलर सिस्टम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने दूसरा पेज नहीं लिया। तो आप इस PT में पेज नंबर 2 करेंगे, मात्र एक पेज। और नेक्स्ट हम लोग कुछ मॉडल सेट्स कर रहे हैं, आज हमने इस सेट्स को कम कर दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टॉपिक हो जाता है, 10 सेट्स मात्र आज से हम लोग लेंगे, कल हम लोगों ने 15 सेट लिया था। आज आप 16 से लेकर 25 के बीच 10 ऐसे सेट्स करेंगे, हर सेट में 15-14 वन लाइनर्स हैं। उसके बाद हम लोग साइंस के टॉपिक्स करते हैं, साइंस के SPD से, इसमें हम लोग स्टार्ट से लेकर चल रहे हैं, जिसमें स्टार्ट में शुरुआत में RRBs के वन लाइनर्स हैं। आज हम लोग पेज नंबर 4 और 5 दो पेजेस करेंगे, स्टार्ट से अलग अलग RRBs के एग्जाम में आए हुए इसमें वन लाइनर्स हैं, पेज नंबर 4 और 5। और दूसरी ओर हम लोग पेज नंबर 99 पे जब जाएंगे तो यहाँ पर कुछ लोजी और कल्चर है, जैसे कोलोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, हर्पेंटोलॉजी, ये सब लोजी और कल्चर है, जैसे PC कल्चर, फ्लोरी कल्चर, ये सब आपको कल्चर और लोजी दिखाई देगा, इसे कर लें, बार बार हम लोग कर रहे हैं, ये बार बार रिवीजन भी हो रहा है, तो ये एक बार फिर से आप करेंगे। साथ ही यहाँ पर कुछ अनुसंधान संस्थान है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 4-5 को छोड़कर सारे इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर आपको इसे भी करना है। अगला जो हम लोग बहुत सारा टॉपिक्स जो हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ इंट्रोड्यूस होगा मैथ रीजनिंग जैसा, वो सब भी बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन अभी आप 24 घंटे में इसे कंप्लीट करें, रेस्ट टॉपिक्स भी आपको धीरे धीरे दिखाई देने लगेंगे। टेक केयर।